नमस्कार, मैं दिलावर सिंह वाघेला आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेन डोर वास्तु और उसके रिजल्ट और उसके उपाय की ये जो श्रृंखला है उसको आगे बढ़ाते हुए हम आज बात करेंगे 18 नंबर का जो पद है जिसका नाम है दौवारिक। दौवारिक नाम है ये पद का, जिसका दूसरा अर्थ होता है नंदी और एक अर्थ है उसका, वो है शिव वाहन। तो ये जो है दौवारिक या नंदी या शिव वाहन, उसके बारे में हम जानेंगे और क्या उपाय होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इसका और एक अर्थ जो शास्त्र में लिखा गया है वो है गणों का नायक, यानी गणों का नायक भी उसका एक अर्थ होता है। अब यहाँ पे अगर द्वार है तो उसका क्या फल मिलेगा, यानी 18 नंबर का ये जो पद है दौवारिक, अगर ये जगह पे आपके मकान में द्वार है तो उसका क्या फल मिलेगा, तो वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये जो 18 नंबर का पद है दौवारिक, उसका द्वारफल जो शास्त्र में लिखा है वो लिखा है शत्रुओं की वृद्धि। अब हम ये जाने कि शास्त्र में क्यों शत्रु वृद्धि द्वारफल लिखा है। तो देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। कोई भी प्रतिहारी, प्रतिहारी यानी कि रक्षक जो द्वार पे खड़ा होता है, जैसे कि नंदी है और वो उसको दौवारिक भी कहते हैं, तो ये जो द्वार का रक्षक है यानी ये जो दौवारिक है या ये जो द्वारपाल है, उसका उसकी जो फर्ज में आता है वो है भी किसी को, कोई भी इंसान जो है उसको बिना परमिशन अंदर नहीं आने देना। जब तक मालिक की परमिशन नहीं होगी, द्वारपाल जो है कोई भी इंसान को अंदर नहीं आने देगा। यानी उसकी वजह से क्या होता है कि लोग जो है ये इंसान, ये द्वारपाल के दुश्मन बनते हैं। तो अब हम जाने कि ये इसका मतलब क्या हुआ। तो देखिए, दौवारिक जो है, द्वारपाल जो है, उसका जो एक मतलब है या उसकी जो फर्ज में आता है वो ये है कि वो द्वार पे खड़ा होता है और मालिक का उसको हुक्म होता है कि कोई भी इंसान को बिना परमिशन अंदर ना आने दे। तो ये दौवारिक कोई भी इंसान को अंदर नहीं आने देता। उसकी वजह से क्या होता है कि वो जो इंसान जिनको प्रवेश नहीं मिला है वो इसके शत्रु हो जाते हैं। यानी इसको हम थोड़ा बहुत डीप में सोचे तो अगर ये पद में द्वार रहा, कौन से पद में, अगर ये जो हमारा 18 नंबर का पद है दौवारिक, जिसका अर्थ है नंदी और उसका और एक अर्थ जो बताया गया है शिव वाहन, अगर यहाँ पे द्वार हुआ तो यहाँ पे रहने वाले लोग जो है उनके उनके आजू बाजू के लोग या उनके अपने लोग या उनके पड़ोसी या कोई भी जो है उनके शत्रु बनेंगे। यानी यहाँ पे अगर द्वार हुआ आपके मकान में तो इतना तय है कि आप, अगर यहाँ पे द्वार हुआ तो ये तय है कि आपके शत्रुओं जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे। और वो शत्रु क्या करेंगे, तो वो जो शत्रु है आपके लिए आपके विरुद्ध में कुछ ना कुछ ऐसे षड्यंत्र करते रहेंगे, इसकी वजह से आप हमेशा परेशानी में रहेंगे। कहना क्या मतलब, अगर ये पद में द्वार हुआ तो यहाँ पे रहने वाले जो भी लोग हैं उनके शत्रु बनते रहेंगे और वो शत्रु आपको परेशान करते रहेंगे, आपको नुकसान पहुंचाते रहेंगे, आपके खिलाफ षड्यंत्र करते रहेंगे। ये पद का द्वार, ये जो यहाँ पे पद है, अगर यहाँ पे द्वार हुआ तो ये रिजल्ट मिलेगा, ये तय है। और एक मैं बात बताना चाहता हूँ, मैंने अभी तक जो भी 15 से लेके ये जो पद के मैंने उपाय या उसके रिजल्ट बताए, तो देखिए ये 15, 16, 17, 18, 19 ये जो 6 द्वार है, 6 पद है जो, वो साउथ वेस्ट, ये जो साउथ वेस्ट है यानी नैऋत्य में आते हैं। और अगर ये 15 से लेके 19 के अंदर आपके मकान में द्वार हुआ, मेन डोर हुआ, तो ये बात तय है कि आपको नेगेटिव रिजल्ट, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक परेशानी आएगी आएगी और आएगी। अगर आप ये मकान में रह रहे हैं ऐसे द्वार वाले, और समझिए कि आपके 3 साल कंप्लीट हो गए हैं, यानी मकान में आए 3 साल हो गए हैं, तो ये जो पद है वो एक्टिव हो जाएंगे और उनकी नेगेटिव रिजल्ट देने की शुरुआत हो जाएंगी।
और दिन प्रतिदिन ये जो नकारात्मक प्रभाव है वो बढ़ता जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर ये पद्मे द्वार है तो मैंने जो भी उपाय बताया है वो उपाय आप करें, हर बुधवार को करें। अब हम जानेंगे कि 18 नंबर का जो पद है दौवारिक, अगर यहाँ पे मेन डोर है या कोई वास्तु दोष है तो उसका उपाय क्या है। तो देखिए, शास्त्र में जो उपाय दिया गया है वो हर देवताओं के नैवेद्य का दिया गया है। तो दौवारिक जो है उनका नैवेद्य जो है वो है उड़द का जो उड़द का जो आटा आता है, उड़द का आटा, उसके आपको वड़े, गोल वड़े बनाने हैं। और कितने वड़े बनाने हैं? चार वड़े बनाने हैं, यानी चार संख्या में 4 गोल वड़े आपको उड़द के आटे के बनाने हैं। वो बुधवार की सुबह में यहाँ पे रखने हैं और शाम को सूर्यास्त के बाद ये जो 4 वड़े हैं वो आप जल प्रवाह कर दे, या फिर उसको आप कोई भी पवित्र जगह पे रख के आए, कोई पवित्र पेड़ के नीचे रख के आए, या कोई भी अगर कोई इंसान जो है वो दान लेता है तो उसको दे दे, या कोई भी गाय है या कुत्ता है उसको आप खिला दे। तो दौवारिक जो है उनका ये जो है नैवेद्य वो है वड़े, उड़द के आटे के वड़े 4 बनाने हैं, सुबह रखने हैं और शाम को उनको जल प्रवाह या पवित्र जगह पे रख के आए। ये जो उपाय है आप हर बुधवार करें। 15 से लेके 19 तक का जो भी पद है उनके उपाय में जो आपको बताऊंगा, हो सके तो आप हर बुधवार करें, क्योंकि अगर ये पद में द्वार है तो आपकी परेशानियां जो है आपके साथ हम सफर बन के रहेगी, आपको कभी भी नहीं छोड़ेगी। तो ये आप ध्यान रखिएगा, तो ये उपाय करें, उससे आपको मैं इतना बता दूं उसको, उससे आपको थोड़ी राहत मिलेगी। हो सके आपको पॉजिटिव रिजल्ट ना मिले, लेकिन नकारात्मक जो रिजल्ट आपको मिल रहा है उसके उसके सामने लड़ने की एक ताकत आपको मिलेगी। नकारात्मक प्रभाव जो है पदों का वो कम होगा, ये तय है। तो ये उपाय आप दिल से करें, श्रद्धा से करें। अब मैं रजा लेता हूँ, आगे हम देखेंगे बाकी के जो हमारे पद है उसके बारे में, उनका क्या फल है, उनके क्या उपाय है, उनका क्या परिणाम है, वो जानेंगे। धन्यवाद।